हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लॉजिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हम देखते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में। यहाँ पर देखिए, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट इन C++। तो C++ में दो स्टेटमेंट है, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। तो पहला हम देखते हैं इनपुट स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों, इनपुट स्टेटमेंट का यूज करके हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम को या कोई भी सॉफ्टवेयर को हमें इनपुट देना पड़ता है, डेटा एंट्री करनी पड़ती है। तो डेटा कहाँ से, किस स्टेटमेंट से हमें एंटर करना है या कोई इनपुट देना है तो किस स्टेटमेंट का यूज करके हमें देना है, तो यहाँ पर हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, C++ में cin, द स्टेटमेंट cin इज यूज्ड टू एक्सेप्ट स्ट्रीम फ्रॉम यूजर बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड। कीबोर्ड डिवाइस का यूज करके हमें इनपुट कंप्यूटर को देना है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, कीबोर्ड, देन सीइन इज अ फंक्शंस, देन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स एंड देन स्टोर दिस इनपुट इन द वेरिएबल। और जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं वो हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल क्या है, स्टोरेज लोकेशन है जहां पर डेटा स्टोर होता है, कौन से भी प्रकार का, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कौन सी प्रकार का डेटा वेरिएबल में स्टोर होता है, ये वेरिएबल यानी स्टोरेज लोकेशन है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में स्कैनफ फंक्शन का यूज किया, सेम तरीके से सी इन फंक्शन का भी वर्किंग उसी तरह से है। यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है। तो इनपुट स्टेटमेंट का हम सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंटैक्स सी इन, देन डबल ग्रेटर दैन, यानी हम उसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं, एंड देन वेरिएबल का नेम। यहाँ पर वेरिएबल का नेम आ जाता है जहां पर आपको वो वैल्यू स्टोर करनी है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स, सी इन, देन डबल ग्रेटर देन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड देन द वेरिएबल नेम। यहाँ पर ए इज अ वेरिएबल नेम। तो वैल्यू जो हम इनपुट करते हैं तो वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से उसका सिंपल सा सिंटैक्स है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू स्टोर हमने कर दी है। तो अगर आपको एक से ज्यादा अगर वैल्यू स्टोर करनी हो तो यहाँ पर देखिए, तो आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा, कैस्केडिंग इनपुट स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए, सिंटैक्स सी इन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वेरिएबल वन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वेरिएबल टू, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वेरिएबल थ्री, ऐसे आप कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स, सी इन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी, यानी यहाँ पर दो वैल्यू हमने एक साथ इनपुट कर ली है। इस तरह से हम क्या करते हैं, सी इन फंक्शन का, सी इन इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आगे का देखिए, आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो इनपुट स्टेटमेंट से अपोजिट है, यानी आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, आउटपुट दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, C++ में हमें कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, स्टेटमेंट सी आउट इज यूज टू डिस्प्ले स्ट्रीम ऑन स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर, यानी मॉनिटर पर हमको क्या करना है, आउटपुट प्रिंट करना है। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे या कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, सी आउट। दिस स्टेटमेंट यूज इंसर्शन ऑपरेटर दैट इज डिनोटेड बाय डबल लेस देन, इट इज आल्सो कॉल्ड पुट टू ऑपरेटर्स, इट इज सिमिलर टू प्रिंटएफ फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज हम प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करते हैं, उसी तरह से C++ में हमें क्या करना है, सी आउट फंक्शन का यूज करना है आउटपुट दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये हमारी स्क्रीन है यानी मॉनिटर, मॉनिटर स्क्रीन, देन सी आउट फंक्शंस, देन इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन स्ट्रीम। जो स्ट्रीम है यानी हमारा जो डेटा है वो क्या होगा, इंसर्शन ऑपरेटर से स्क्रीन पर आउटपुट दिखाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, सी आउट स्टेटमेंट का यूज करते हैं आउटपुट दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए सिंटैक्स, यहाँ पर दो सिंटैक्स है। पहला हम सिंटैक्स फर्स्ट देखते हैं, सी आउट डबल लेस देन डबल कोटेशन में स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर हम डालेंगे वो एज इट इज आपको आउटपुट को दिखेगी। यहाँ पर एग्जाम्पल, सी आउट डबल लेस देन डबल कोटेशन में वेलकम इन C++ प्रोग्रामिंग, तो इसका आउटपुट क्या होगा, वेलकम इन C++ प्रोग्रामिंग। जैसे आपने स्ट्रिंग डाली है उस तरह से आपको उसका आउटपुट मिलेगा। बाद में देखिए सिंटैक्स टू, सिंटैक्स टू में क्या है, सी आउट डबल लेस देन वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल का जो कंटेंट है आपको आउटपुट में दिखाना हो या वेरिएबल की वैल्यू आपको आउटपुट को प्रिंट करनी हो तो आपको ये सेकंड जो सिंटैक्स है आप यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल सी आउट डबल लेस देन या इंसर्शन ऑपरेटर ए, यानी ए वेरिएबल में जो वैल्यू है वो आप क्या कर सकते हैं आउटपुट को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं दोनों सिंटैक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर दोनों सिंटैक्स एक साथ हमें हम एक साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैस्केडिंग आउटपुट स्टेटमेंट सिंटैक्स सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोटेशन में स्ट्रिंग देन इंसर्शन ऑपरेटर वेरिएबल्स, एग्जाम्पल सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोटेशन में अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू डबल इंसर्शन ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल नेम ए। इस तरह से हम क्या करते हैं जो अलग अलग है वो हम कंबाइन में यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यानी अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू के सामने ए का जो कंटेंट है या जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं सी आउट फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए हम कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या है वाइड मेंस देन क्लियर स्क्रीन इंट ए एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल में हमने वैल्यू इनपुट कर दी है। तो यहाँ पर सी इन फंक्शन का यूज किया है, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, यानी कीबोर्ड से जो वैल्यू एंटर हो जाएगी वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। देखिए ए वेरिएबल में स्टोर होने के बाद हमने यहाँ पर किया है सी आउट, यानी ए की जो वैल्यू है ए में जो स्टोर हुई वैल्यू है वो हमने यहाँ पर उसे प्रिंट किया है। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू इंसर्शन ऑपरेटर ए, यानी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जो ए की वैल्यू है वो वहां पर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम वैल्यू एंटर करते हैं जो कि ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और बाद में उसका आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू टू। इस तरह से हम क्या करते हैं वैल्यू इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद वो वेरिएबल में स्टोर हो जाती है और वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो हम सी आउट फंक्शन का यूज करके उसे प्रिंट करते हैं या आउटपुट दिखाते हैं। इस तरह से सी इन सी आउट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल लॉजिक कॉम्प्यूटर इंस्टीट्यूट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज।